नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में हो रहे करेक्शन के बारे में। करेक्शन की बात करें तो जैसा कि कुछ दिनों पहले भी हमने एक वीडियो में करेक्शन से पहले बताया था कि मार्केट जो है करेक्शन लेने वाला है, तो अपना पैसा तैयार रखिए। ठीक उसी तरह मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्केट के करेक्शन के पीछे की वजह के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों करेक्शन के पीछे की वजह ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मार्केट में हो रही प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन का छोटा सा रीजन है दोस्तों। जिस वजह से निफ्टी ऑल टाइम हाई से 351 पॉइंट्स जो है गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, देखिए यदि परसेंटेज की बात करें तो 1.90 के आसपास ये है जो है डाउन है ऑल टाइम हाई से। और यदि हम बात करें कि जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि अपने पैसे तैयार रखना, तो आशा करता हूँ कि आपने पैसा जो है सेविंग में रखे होंगे ताकि इस मौके का फ़ायदा हम उठा सकें और अच्छे अच्छे शेयर जो है काफ़ी कम प्राइस में ले सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये टाइम सही है, आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से जो है ऐड कीजिए और ऑलरेडी बाय हैं तो एवरेज करिए ताकि इस मौके का फ़ायदा हम भरपूर उठा सकें। क्योंकि आने वाले समय में कंपाउंडिंग का फ़ायदा इसी वजह से मिलेगा, क्योंकि बाय ऑन डिप जो करता है दोस्तों उसका कंपाउंडिंग का फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। और यदि हम मंथली SIP की बात करें तो वो भी कंटिन्यू रखिए। और अब यदि आपके पास सेविंग में अच्छे खासे पैसे हैं तो अब लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डाउन है और जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे डाउन चल रहे हैं दोस्तों। कुछ शेयर्स की हम बात, पहले शेयर की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। पहला शेयर है एशियन पेंट, जो कि लगभग लगभग 15% के आसपास गिरावट है, जिसमें 500 रुपये के आसपास की गिरावट है। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और न्यू यदि बाय करना है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरे शेयर की हम बात करें तो दूसरा है बर्जर पेंट। यदि ऑल टाइम हाई से और अब तक की बात करें तो ये लगभग लगभग जो है आपको मिलेगा करीब करीब 17% के गिरावट के आसपास, जो कि 147 रुपये की गिरावट है इस शेयर में ऑल टाइम हाई से। अगले शेयर की हम बात कर लेते हैं तो अगला शेयर है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड, जिसमें भी अच्छी खासी जो आज के दिन डाउनफॉल देखने को मिला है और अच्छी खासी गिरावट है। ऑल टाइम हाई से यदि हम बात करें तो ये लगभग 16% के आसपास गिरावट पे मिला है हैप्पीएस्ट माइंड। नेक्स्ट शेयर की हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट शेयर दोस्तों डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट। इसकी यदि हम बात करें तो ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग हमको मिलेगा करीब करीब 17% के आसपास डाउन में, 900 रुपये का इसमें गिरावट है ऑल टाइम हाई से दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की तरफ हम चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसलिए ये सभी जितने भी शेयर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो सभी के सभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 20% के आसपास जो है डाउन है सभी के सभी। यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर की हम बात करें तो 12-13% के आसपास जो है गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट शेयर की यदि हम बात करें तो जुबिलेंट फूड, जो कि डोमिनोज पिज्ज़ा आपने खाया होगा उसका ये शेयर है दोस्तों। यदि ऑल टाइम हाई से अब तक की बात करें तो 19-20% के आसपास इसमें गिरावट है, 867 रुपये की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट शेयर जो है वो है दीपक नाइट्राइट, जो कि नाइट्राइट का 80% बिजनेस अकेला ये कंपनी जो है संभालती है इंडिया का। यदि हम ऑल टाइम हाई से अब तक की बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट ये डाउन है, तो देख लेते हैं कि कितना परसेंट डाउन है। ये है 20% के आसपास, 19.9% की इसमें गिरावट है ऑल टाइम हाई से, 581 रुपये की करेक्शन है। ये जो है 581 रुपये के आसपास डाउन प्राइस में मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की यदि हम बात करें तो दूसरा शेयर नवीन फ्लोरिन, जो कि फ्लोरिन बिजनेस करता है केमिकल सेक्टर का, अच्छा दिग्गज स्टॉक है दोस्तों। यदि ऑल टाइम हाई से इसकी बात करें तो 18% के आसपास ये डाउन प्राइस पे आपको मिल रहा है नवीन फ्लोरिन। नेक्स्ट शेयर की हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी केमिकल। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो करेक्शन है वो केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रहा है, और लक्ष्मी केमिकल की बात करें तो ये लगभग 26% के आसपास डाउन प्राइस मिल रहा है ऑल टाइम हाई से, अच्छा खासा डाउन है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बालाजी माइन, जो कि केमिकल सेक्टर का वो जो है कंटिन्यूस कंपाउंडर स्टॉक है और ये लगातार कंपाउंडिंग से पैसे लगातार जो है बनाते जा रहे हैं। यदि ऑल टाइम हाई से अब तक की हम बात करें गिरावट की, तो 21% के आसपास इसमें जो है गिरावट है ऑल टाइम हाई से, 1072 रुपये गिरावट में ये शेयर मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की बात करें तो पीडीलाइट, जिसका फेविकोल फेविक्विक
और फेविस्टिक वगैरह है, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखें कि ऑल टाइम हाई से ये जो शेयर है कितने प्राइस में, कम प्राइस में जो है मिल रहा है, तो 8% के आसपास इसमें गिरावट है। 211 रुपये डिस्काउंट में ये शेयर जो है मिल रहा है दोस्तों, तो आप इसमें भी एवरेज कर सकते हैं और न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट शेयर की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट शेयर प्रिंस पाइप। यदि ऑल टाइम हाई से अब इसकी बात करें तो 7% की गिरावट है और 57 रुपये का जो है डाउन प्राइस है इसके अंदर, 704 रुपये के आसपास अभी ये देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें भी एवरेज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एस्ट्रल पाइप, वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप प्रिंस पाइप भी ले सकते हो दोस्तों। एस्ट्रल की बात करें तो वो भी अच्छा खासा 20% के आसपास जो है डाउन प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों। रूट मोबाइल की बात कर लेते हैं, तो रूट मोबाइल की बात करें तो ऑल टाइम हाई से लगभग शेयर जो है 16.68% के आसपास डाउन प्राइस पे मिल रहा है, जो कि 384 रुपये की इसमें करेक्शन है, तो 384 रुपये डिस्काउंट में ये है मिल रहा है दोस्तों। सुमितोमो केमिकल जो कि 1000 रुपये से कम प्राइस में है दोस्तों, देखने को मिल रहा है, केमिकल सेक्टर का एक अच्छा जो है शेयर है, आने वाले समय में अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आपको अर्न करके देगा। ऑल टाइम हाई से और इसकी जो है करेक्शन बता दूं आपको कि 6-7% के आसपास इसमें करेक्शन है और 43 रुपये का जो है डिस्काउंट में ये शेयर मिल रहा है। आप जो है एवरेज कर सकते हो, न्यू बाय करना चाहो तो न्यू बाय भी कर सकते हो। अब कर लेते हैं केमिकल सेक्टर के सबसे अच्छे स्टॉक, जो मुझे मेरा फेवरेट है दोस्तों, वो आपको लगभग ऑल टाइम हाई से अब आपको ये करीब करीब मिलेगा 23% डिस्काउंट में, 1063 रुपये का इसमें डिस्काउंट है दोस्तों, 3559 रुपये का ये अकेला शेयर है और ऑल टाइम हाई से 23% का जो है डिस्काउंट मिल रहा है इस शेयर में। तो ये जो शेयर थे दोस्तों अच्छे खासे डाउन प्राइस में मिल रहे हैं। अल्काइल अमाइन की यदि बात करें तो कंटिन्यूस कंपाउंडर है और 50% से अधिक के CAGR के साथ ये ग्रो कर रहा है दोस्तों। तो ये थे शेयर अच्छे जो आप इसमें बाय कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।